बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4, जहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी जो टूर्नामेंट हुए थे स्पोर्ट्स के, उसके फाइनल तक मेरा भाई पैलेट नहीं पंचर लगाता है, मेरा अबू बाजार में रेड़ी लगाता है, और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, गिरते आंसुओं से, ढलते जज्बों से, सिसकती सांसों से, बुझती उम्मीदों से, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जिस कौम के बच्चे न हो खुदारे हुनरमंद, कि जिस कौम के बच्चे न हो खुदारे हुनरमंद, उस कौम से तारीख के मेहमान न मांगो। तालीम के जितने भी अफरान हैं, एहलकार हैं, उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि आप एक किरदार अदा कर रहे हैं अपने उस मकसद के लिए जो हमारे इस मुल्क का मकसद है, हमारी कौम का एक मकसद है कि हमने अपने बच्चों को बेहतर तालीम देनी है, अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर किस्म की एक्टिविटीज में जवान बनाना है कि वो अपना, अपने वालदैन का, अपने असातिज़ा का, अपने इलाके का और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो मेरे ख्याल में हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं इंशाल्लाह, जो रास्ता तरक्की का है, जो रास्ता तब्दीली का है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में करप्शन ना हो, हमारा जो टैक्स का पैसा है वो हमारे बच्चों पे लगे, हमारे ऊपर लगे, हमारे जो मुल्क का पैसा है, हमारे जो मुल्क के वसाइल है, उनको हम बरोकार लाएं और बजाय हर वक्त कर्जा मांग के अपनी कौम को सूद के नीचे, कर्जों के नीचे दबाने के, हम खुद मुख्तार होकर अपने पाँव पे खड़े हों और अपने वसाइल को बरोकार ला के इंशाल्लाह अब हम अपने पाँव पे खड़े होने के रास्ते पर इंशाल्लाह चल चुके हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, सुनते थे कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, करप्शन होती है इसमें भी। मैं बड़ा हैरान हुआ था, फिर जब मैं बीए बना तो मुझे पता चला कि उस्ताद साहबान भी रिश्वत देते हैं क्लास ऑफ पोस्टिंग के लिए, तो मैं और भी हैरान हुआ। लेकिन कसूर उनका नहीं था, कसूर निज़ाम का था। ये कुतुब का निज़ाम बन चुका था इस मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए, एक ऐसा निज़ाम बन जाए जिसमें सिफारिश ना हो, जिसमें ज्यादती ना हो, जिसमें विक्टिमाइजेशन ना हो, और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम। वो तमाम स्कूल के प्रिंसिपल साहबान हैं, वो इन राइटिंग एप्लीकेशन दे दें इंशाल्लाह, उन टीमों को हम फंड देंगे ताकि वो अखबार पर जाके मुकाबला कर सकें। और साथ साथ आपका एक ग्राउंड जो है, कल हमारी मीटिंग हुई है, उसका इंशाल्लाह लाइट का भी और ग्राउंड का इंशाल्लाह बराई का और इंशाल्लाह ग्रास का भी इंशाल्लाह काम बहुत जल्द हो जाएगा। और डीखान में दो चमेलियाँ भी इंशाल्लाह बढ़ा रहे हैं, इन दो चमेलियाँ एक बच्चियों के लिए और एक बच्चों के लिए। अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमारी वफाकी हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह डीखान को पूरा हक मिलेगा। आप लोगों ने मुझे वोट दिया है इंशाल्लाह, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपका हक लेके आऊँगा। डीखान में इंशाल्लाह एक इंडोर जमेलियाँ बच्चियों के लिए और एक इंडोर जमेलियाँ बच्चों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। उसी से वसूल करें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 विनर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। इधर देखें बेटा, स्कूल नंबर 4 विनर वो आए और अपना काफी मेहमान खसूसी से वसूल करें। तजमल जमान साहब, यकूब साहब, इन चार इनकी कोशिशों से ये हुआ है। रनर अप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हॉकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामिया विनर, उनके इंचार्ज विनर डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट स्कूल नंबर 2 कुलाची और रन मॉडल नंबर 1 स्कूल टेबल टेनिस टेबल विनर और उनके पीटी सरवर साहब हायर सेकेंडरी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हम सूबे में पिछली मरतबा भी दूसरे नंबर पे आए थे, इस दफ़ा हमने जोनल भी जीता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी जीता है और रीजन में भी हमारी टीम विनर आई है। ये सब जो लड़के हैं हमारे, ये बहुत ही इन्होंने मेहनत से ये टूर्नामेंट जीता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम जा रहे हैं सवात प्रोविंशियल टूर्नामेंट के खेलने के सिलसिले में।
تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اس دفعہ وہاں کی ٹرافی بھی یہ ہمارے لڑکے جیتیں گے. تو انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ ٹرافی اپنے اسکول کے نام کی ہے.